अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नूर जफ़र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज आज है मेरा सेकंड प्रॉफ का लास्ट डे और सेकंड ईयर आज मेरा एंड हो जाएगा। तो आज के दिन के लिए जो जो मेरे टास्क हैं और जो जो कुछ मैं करूँगी तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा सेकंड प्रोफेशनल ईयर किस तरह से एंड हुआ। आज के सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि आज है मेरा पेपर, लास्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले हम वो देने जाएंगे, वो देंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देकर आएंगे वापस और फिर हमने जाना है घर। फाइनली आफ्टर 1.5 मंथ मैं घर जाऊँगी और आई एम वेटिंग ईगरली, लिटरली मेरे से अब नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी। 1.5 महीना हो गया और मेरी बस हो गई है, बस अब मुझे हर हाल में घर जाना ही जाना है। तो पेपर देने चलते हैं और वहाँ पे दिखाती हूँ आपको लास्ट पेपर हमारा प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, थोड़ा सा वो दिखाऊँगी। पेपर देने चलते हैं और फिर जो है वो उसके बाद घर जाएंगे और घर वालों से मिलेंगे और फिर 10 छुट्टियाँ, फिर मज़े करेंगे। सो चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ तो वहाँ के भी सीन्स दिखाते हैं आपको। सो हम लोग स्टे कर रहे थे खतीजा हॉल के अंदर, हमारे दो हॉस्टल हैं उनमें हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो अभी आज हमारा लास्ट डे है हॉस्टल, इस हॉस्टल में, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे हमारा जो दूसरे वाला हॉस्टल है ना वहाँ पे। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। घर जाने की वरना पहले ही कोई भी पेपर होता है ना, इतना खौफ होता है, इतना खौफ होता है, लाइक टेंशन होती है कि सिलेबस जो इतना ज़्यादा है तो टेंशन होती है कि पता नहीं क्या बनेगा। और आज वाले पेपर में खौफ है ही नहीं, बस एक ही खुशी है कि बस सब घर जाना है, घर जाना है। हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि बस अब घर जाना है। और मतलब जब वापस आना होता है वहाँ पे, घर थोड़े दिन रहकर आ रहे हो, फिर ऐसे लगेगा जैसे बस अब कैसे जाएं। तो अभी ये मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारा पेपर होगा। तो उधर जाकर फिर अच्छी सी जगह पे बैठते हैं और अच्छा अच्छा पेपर लिखते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये जान निकाल लेती हैं लिटरली। थर्ड फ्लोर के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट है और जाते जाते बिल्कुल बस हो जाती है। अभी मैं लिटरली बस खत्म हो जाओ, हो ही जाएंगी जैसे आज एग्जाम्स खत्म होने वैसे ही सीढ़ियाँ भी खत्म हो। सो अभी मैं यहाँ लैब में आकर बैठी हूँ और इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है ना, सबसे पहले तो हमें कोट उतारेंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कौन सा स्टार्ट हुआ है, जब मतलब परफॉर्मेंस का टाइम है फिर पहन लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सीन हो गया, थ्योरी का पेपर नहीं हो रहा और पहले वाइवा हमारा हो रहा है। हम लोग ग्रुप बी है, हालांकि ग्रुप ए का पहले होना था और अभी ग्रुप बी का पहले वाइवा हो रहा है। मुझे वाइवा की भी तैयारी नहीं है और मुझे तैयारी करनी है। अब मैं अपनी दोस्त की मिन्नत करती हूँ, मुझे वाइवा की तैयारी कराती है। डिस्कस कर लेते हैं तो फिर जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही थी वाइवा। गाइज प्लीज़ इग्नोर माई फेस एक्सप्रेशंस बिकॉज पढ़ते हुए मैं इसी तरह की अजीब अजीब फेसेस बनाती हूँ। और कुछ यहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे तो इसीलिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए इस तरह की अजीब अजीब फेसेस बना रही थी। बाय द वे स्ट्रेस भी होती है बहुत ज़्यादा, बल्कि स्ट्रेस होती है क्योंकि एक्सटर्नल्स नहीं आना होता है और आपको नहीं पता होता वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ द वे ना पूछ लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाइवा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, एग्जामिनर ने सारे अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन पूछे थे। फिर 2 साल पेपर्स देने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया है कि ये जो हमारा पेपर्स वाला पीरियड होता है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा टफ टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से ये टाइम इसीलिए होता है ताकि हम मजीद स्ट्रांग हो जाएं, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए और हमें टफ से टफ टाइम को डील करना आ जाए। मेरे लिहाज से इसका मेन पर्पस यही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सालों में बहुत अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज किया है, होप फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ये सारे बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वाइवा होने और ये वो सीट है जहाँ पे हमारे एग्जामिनर ने बैठना है। मैं पढ़ रही हूँ, वाइवा तैयार कर रही हूँ। ये जा रहे हैं हमारे एग्जामिनर, ओह माय गॉड। उफ़ला।
पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। फिर से यहाँ स्ट्रेस में घूमती हुई मैं, लिटरली जितनी मर्जी तैयारी हो ना, फिर भी जब आपका रोल नंबर आने वाला होता है ना, उस टाइम की जो स्ट्रेस होती है ना, उसको कोई भी, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लिटरली तैयारी भी अच्छी होती है और पता भी होता है कि वाह अच्छा हो जाना है, फिर भी पता नहीं किस चीज़ की स्ट्रेस होती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे क्लासरूम में, हमारा थ्योरी का पेपर था, जल्दी जल्दी से थ्योरी का पेपर लिखा और बहुत ही थोड़े से क्लिप्स थे जो मैं रिकॉर्ड कर सकी। और फिर थ्योरी के पेपर के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, पेपर्स हमारे ऑफिशियली एंड हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम जो है वो पेपर से भी फारिग हो गया और वाइवा भी दे दिया। हुआ ये था कि हमारा वाइवा पहले हुआ था और जो मतलब ग्रुप ए था उसका वाइवा बाद में हुआ था। तो वाइवा के चक्कर में इतनी स्ट्रेस थी वो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं तो वो आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है वो हमारा थ्योरी का पेपर हुआ था, तो अभी अभी मैं थ्योरी का पेपर देके आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पेपर से भी जान छूट गई है। अभी मैं जल्दी से भागूंगी हॉस्टल की तरफ, मेरा सामान थोड़ा सा रह गया पैक करने वाला, वो पैक करके फिर हम जाएंगे घर। ये और कुछ कहना चाहेंगी आप? असल में आज का पेपर ना, जितने पीछे वाले प्रैक्टिकल्स हुए ना, उन सबसे ज़्यादा मुश्किल आज का पेपर था। मतलब वो आइडेंटिफिकेशन थी ड्रग्स की और फिर कुछ ये वाइवा का जो सीन ऊपर नीचे हुआ उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी जो खुशी है वो ये है कि पेपर ख़त्म हो गया, जान छूट गया। पिछले एक महीने से इतना कोई ज़्यादा हम जलील हो रहे थे, इतना कोई ज़्यादा जलील हो रहे थे ना, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पेपर्स, छुट्टी होती थी थ्योरी के पेपर में, 2-3 छुट्टियाँ होती थी और प्रैक्टिकल में किसी में थी किसी में नहीं थी। बट पढ़ के हालत ख़राब हो गई थी, अब बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता। अब शुक्र है कि ख़त्म हो गया। तो ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ हॉस्टल की तरफ और गर्मी इतनी ज़्यादा, सांस भी चढ़ गया मुझे। जाके जो थोड़ा बहुत सामान रह गया वो पैक करेंगे, पैक करके फिर हम जाएंगे वापस अपने घर की तरफ और 10 दिन घर गुजार के आएंगे मज़े के। ये सो अभी वो वाली लाइन मुझे याद आ रही है, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो अगले 10 दिन के लिए हम भी जेल से फरार होने वाले हैं। सो ये सामान पैक हो चुका हुआ है और अभी जाने लगे हैं। इस टाइम जो है ना वो गर्मी से हालत बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। चलो चलो, नहीं मैंने पी लिया अपनी बोतल से ही। आफ्टर दैट मैं आ गई थी टर्मिनल पर अपने दोस्तों के साथ, जहाँ आकर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। इसकी वजह से मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था, आप देख सकते हैं। बट गाड़ी में बैठते ही थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि अब चलें घर पहुँच ही जाएंगे, तो फिर ऐसा ऐसा मूड अच्छा होने लग गया था। बस में बैठते ही सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, बिकॉज सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हल्का फुल्का सा मैंने कुछ खाया। उसके बाद मैं अपना फेवरेट काम करने लगी, यानी कि बाहर का व्यू एंजॉय करने लगी। बस में बैठते ही सबसे फेवरेट काम मेरा होता है बाहर का व्यू एंजॉय करना, और पूरे 2 साल हो गए हैं मुझे, तो इन 2 सालों में मैंने सिर्फ विंडो सीट पर ही बैठ कर ट्रैवल किया। मैं ऑलरेडी अपनी बुकिंग करा लेती हूँ ताकि मुझे विंडो सीट ही मिले और मैं मज़े से पूरा रास्ता व्यू एंजॉय करती हुई जाऊँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मैं घर के करीब तक पहुँचती जा रही थी, तो मूड तो ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही था। तो घर पहुँचते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गई थी, बहुत हो गई थी मुझे घर पहुँचते हुए, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे निकली थी यूनिवर्सिटी से और 8:30 बजे मैं घर पहुँची थी, बिकॉज थोड़ा सा मुझे टर्मिनल पर वेट करना पड़ा था। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट घर से हॉस्टल का सफ़र मुझे सबसे मुश्किल सफ़र लगता है, और हॉस्टल से जब घर की तरफ आना होता है तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट और एक बहुत ही खुशी होती है, जो कि आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं। लाइक उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता, और शायद ये मेरे साथ ही नहीं, जितने भी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं ये सबके साथ ही है कि हॉस्टल से घर आते वक्त की एक्साइटमेंट और खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई थी, फिर मैं जल्दी से उतरी, बस से अपना सामान वगैरह लिया एंड मुझे भाई लेने आए हुए थे। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए घर से दूर रहना बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स देते हैं। सो ये था मेरा सेकंड प्रॉफ का लास्ट डे, जो कि मैंने पूरा आप लोगों से शेयर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।